प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश भर में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने पंडित दीनदयाल अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराने जा रहे हैं। इसी विषय पर डिजिटल भारत न्यूज के संवाददाता शुभम यादव की अध्यक्ष अभिलाष पांडे से हुई एक खास चर्चा। नमस्कार, डिजिटल भारत में मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेकर आए हैं प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी के पास। अभिलाष पांडे जी युवा मोर्चा अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनते ही इन्होंने कई ऐसी योजनाएं शुरू कर दी जो युवाओं के हित में है, युवाओं के रोजगार के लिए है, युवाओं के अध्ययन के लिए है। ऐसी ही योजना अभिलाष पांडे जी लेकर आए हैं, राष्ट्र चिंता जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय समान ज्ञान प्रतियोगिता। इस समान ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में आज हम अभिलाष पांडे जी से जानेंगे, आखिर क्या है ये प्रतियोगिता, कैसी प्रतियोगिता है और इसमें युवाओं को क्या फायदा होगा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप लगातार हमारे चैनल से भी जुड़े हैं और युवाओं से आपका बहुत जुड़ाव है, इसी अंतर्गत आप एक प्रतियोगिता सामने लेकर आए। मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा आखिर क्या है ये प्रतियोगिता। भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के द्वारा राष्ट्र चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत हम ऐसे सभी नौजवानों के बीच में जा रहे हैं, जो सारे नौजवान 8वीं से 12वीं तक और फर्स्ट ईयर से फाइनल तक के जो विद्यार्थी हैं, साथ में जो अलग अलग ऐसे स्थानों पर रहने वाले नौजवान हैं, कुल मिलाकर सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी सभी तक हमारी बातें पहुंचे और उन सारे नौजवानों को हम अपने साथ जोड़ सकें। इस पूरे महाअभियान में एक दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के अंदर ये आयोजन करा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नाम इसलिए क्योंकि 40 देशों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, अलग अलग देशों से इस विषय में जानकारी हासिल की जा रही है। एक हमारी वेबसाइट है www.bjymmp.com, इसके द्वारा हम ऑनलाइन एग्जाम भी इसमें कराने वाले हैं। ऑफलाइन में लगभग 30 लाख युवा इसमें बैठने वाले हैं और ऑनलाइन में अलग अलग देशों से लोग इसमें शामिल होकर और इस परीक्षा में अपनी सहभागिता देने वाले हैं। युवाओं के बीच में एक ऐसे राष्ट्र मौलिक चिंतक का विचार जाए जो आज के समय में प्रासंगिक है और आज के समय में जिसके विचारों को मूर्त रूप देने का काम आज की देश की सरकारें कर रही हैं, इसलिए ये इस प्रकार के आयोजन का भारतीय जनता युवा मोर्चा एक महती आवश्यकता इस देश और प्रदेश के सामने समझती है। सर, ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, क्या इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में किसी प्रकार का विषय रखा गया है कि एक मतलब एक विषय हो कि आपको ये टॉपिक दिया जाएगा, ऐसा है, या इसमें सभी प्रकार के सामान्य ज्ञान? इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया है, उसके बाद एक बुकलेट हमने प्रकाशित की है। उस बुकलेट के अंतर्गत 40% दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार हैं, 30% मध्य प्रदेश सरकार की विकास योजनाएं हैं, 20% युवाओं से रिलेटेड सेंट्रल की योजनाएं हैं, साथ में 10% का हम जनरल नॉलेज रखने वाले हैं। कुल मिलाकर सारे प्रकार के विषय और साथ में सरकार की युवाओं से रिलेटेड जो योजनाएं हैं वो उससे लोग लाभान्वित हो सकें और सामान्य ज्ञान की देश दुनिया के सामने कैसा चल रहा है ये हमारी युवा तरुणाई को पता चले, इस पूरे अभियान को लेकर ये सारे विषयों को समावेश करते हुए एक बुकलेट हमने प्रकाशित की है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हम युवाओं तक करेंगे और फिर उसके बाद 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन मध्य प्रदेश की धरती और ऑनलाइन पूरे विश्व में हम इस परीक्षा को आयोजित कराएंगे। जैसे कि सर आपने बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी है, इस प्रतियोगिता में आपसे जानना चाहूंगा कितने देशों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है या कितने देशों ने अपना नामांकन किया है? अभी तक लगभग 18 देशों ने अपना नामांकन भरा है, लोगों ने अपनी जो हमारी वेबसाइट है उसमें जाकर और रजिस्ट्रेशन कराया गया है। हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन लोग कराते हैं तुरंत हमारी बुकलेट प्रकार उसमें दिखती है, उसको डाउनलोड करते ही डेट ऑफ एग्जामिनेशन उसमें ब्लिंक होता है एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन उसमें ब्लिंक होने लगता है और कुल मिलाकर अलग अलग देशों से अलग अलग वीडियोस भी हमारे पास आ रहे हैं, लोगों ने अपना समर्थन दिया है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, नाइजीरिया, अलग अलग सारे देशों से, ऐसे बड़े देश जितने हैं वो सारे देशों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। कल ही दुबई से कुछ ऐसे युवा तरुणाई ने हमारे साथ पार्टिसिपेट करने की बात कही है, वो सारे वीडियोस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारी वेबसाइट के अंदर सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। कुल मिलाकर विदेशों का काफ़ी इंटरेस्ट हमारे देश के साथ इस सामान्य ज्ञान में बढ़ रहा है
और इसका पूरा उद्देश्य भारत की जो योजनाएं हैं, भारत का जो काम है, भारत की जो सरकार है वो एक ग्लोबल सरकार बनकर उभरे और पूरे विश्व के सामने उभरे, इसीलिए इस पूरे प्रयास को भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश इकाई कर रही है। सर, ये जो योजना है ये एक प्रकार की जैसे सामान्य प्रतियोगिता है जो 23 जनवरी को होनी है, एक प्रतियोगिता है, इसमें किस प्रकार से आपने वर्गों को विभाजित किया है कि छोटा वर्ग हो, बच्चे हो, बड़े हो, इनको किस प्रकार से विभाजित किया गया? इस पूरी परीक्षा में 8वीं से लेकर 12वीं और फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक के युवाओं को हमने समाहित करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के अंदर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम उन नौजवानों तक पहुंच रहे हैं, साथ में ओपन फॉर ऑल जो अन्य ऐसे युवा हैं जो कहीं रोजगार से हैं, कहीं कुछ और काम करते हैं कॉलेज कैंपस से, जो आउटरीच युवा जिसको हम कहते हैं, वो ऐसे नौजवान जो हैं हॉस्टल्स में रहने वाले विद्यार्थी हैं, अलग अलग जॉब करने वाले युवा हैं, कंपनीज के एम्प्लॉय हैं, ऐसे सारे जो नौजवान हैं उन नौजवानों तक ये प्रतियोगिता हम पहुँचा रहे हैं। और इस प्रतियोगिता को हमने सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने की बात कही है कि हर समाज, हर तबके का व्यक्ति आए, हर क्षेत्र, हर वर्ग का व्यक्ति आए, हर काम से जुड़ा हुआ व्यक्ति इसमें आए। यदि इसमें कोई अच्छे उद्योगपति आते हैं तो अच्छे किसान भी इसमें जुड़े, अच्छे किसान जुड़ते हैं तो अच्छे लॉयर्स भी इसमें जुड़े, अच्छे लॉयर्स आते हैं तो अच्छे डॉक्टर्स भी इसमें जुड़े। कुल मिलाकर सारे ऐसे नौजवान की जो स्ट्रीम्स हो सकती हैं, 35 वर्ष के नीचे जो है वो मेरा है, इस भावना के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा इस कार्यक्रम को लेकर निकला है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की धरती में एक अपार समर्थन इस कार्यक्रम को, युवा मोर्चे को मिल रहा है और नौजवान बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये कार्यक्रम दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए एक वर्ग है और उससे ऊपर वाले जो भी हैं फर्स्ट ईयर से लेकर 35 वर्ष तक के लोगों को इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने की अनुमति है। कहने का तात्पर्य सारा कुछ यही है। और आगे मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा, अभी तक हमारे पास कितनी एंट्री आ चुकी है और कब तक आखिरी समय है इन एंट्रीज का? आज हम 16 दिसंबर के दिन तक लगभग हमारे अभी 14.5 लाख रजिस्ट्रेशन हमने करा लिए हैं। 18 दिसंबर के दिन एक बड़ा अभियान हम मध्य प्रदेश के अंदर छेड़ रहे हैं जिसका नाम हमने दिया है अधिकतम पंजीयन दिवस। इस दिन हम सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के अंदर कराएंगे और लगभग हमने 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन का हमने लक्ष्य लिया है और मुझे लगता है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और मध्य प्रदेश में 18 तारीख को एक बड़ा अभियान चलाकर इस पूरे अभियान की तो हम लगभग 21 तारीख तक इसका समापन करके पूरे रजिस्ट्रेशनों का संकलन करेंगे, फिर उसके बाद पुस्तक का वितरण करेंगे ताकि युवा अपने 10-15-20 दिन तक उसकी पढ़ाई कर सकें, उस बुकलेट को पढ़ें और फिर उसके बाद 23 जनवरी में वो इस परीक्षा के अंदर सहभागी बनें। सर, ये एक प्रकार की सामान्य जैसे प्रतियोगिताएं, कुछ प्रतियोगिताएं में इसकी एंट्री फीस होती, क्या हमारे यहाँ भी कुछ एंट्री फीस है? या हमने अलग अलग क्षेत्रों में कुछ एंट्री फीस भी, चूंकि एग्जामिनेशन है और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं उनकी दृष्टि से भी हमने लोगों को इसमें लगाया है, तो कई जो जैसा वर्ग है उस हिसाब से हमने इसमें अलग अलग तरह से इसका विभाजन किया है और अलग अलग सहयोग राशि के माध्यम से हम लोगों से सहयोग भी मांग रहे हैं। समाज का काम है, समाज के सहयोग की बात है और इस सहयोग से ही हम लोगों को पुरस्कार वितरण करेंगे। हमने ये प्रयास किया है कि हर विद्यार्थी जो इस परीक्षा में शामिल हो रहा है उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रमाण पत्र हम उसको देने वाले हैं, साथ में 100 सांत्वना पुरस्कार हम देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो 8वीं से 12वीं तक है और फर्स्ट ईयर से फाइनल तक है, ऐसे दो कैटेगरीज हमने बनाई, उन कैटेगरीज में उनको इनामों की भी व्यवस्था की है ताकि पारितोषक से हमारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको उत्साहवर्धन किया जा सके, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हमने इस कार्य के विभाजन को किया है। सर, शानदार ये आपका कार्यक्रम है और सुना है इस कार्यक्रम में आपके लिए कॉफी विद सीएम का भी एक छोटा सा कार्यक्रम है। सर, ये कॉफी विद सीएम आपके साथ है या बच्चों के साथ, ये जरूर जानना चाहेंगे। हमने इस पूरी प्रतियोगिता के समापन के बाद एक कार्यक्रम रखा है कॉफी विद सीएम। इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान और संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी और आदरणीय अतुल राय जी, ये सारे लोगों के साथ हम जो नौजवान हमारे इस परीक्षा से निकल कर आने वाले हैं और 8वीं से 12वीं तक, फर्स्ट ईयर से फाइनल तक, एक जिले में ऐसे 6 नौजवानों को हम चिन्हित कर रहे हैं और उनके साथ कॉफी विद सीएम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनको चाय पिलाई जाएगी और बहुत सारी बातें, वो बच्चे, वो नौजवान, आगामी मध्य प्रदेश कैसा होना चाहिए, आगामी समय में 2018 का मध्य प्रदेश का विजन कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें कर एक पेपर बनाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम सब रखने वाले हैं
और कॉफी के साथ मुख्यमंत्री उन युवाओं से बात कर उनका अभिवादन और स्वागत भी करने वाले हैं। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा एवं कौन इसके अध्यक्ष होंगे, कौन इसमें अतिथि होंगे, जरूर जानना चाहेंगे। अतिथि से लोगों का जुड़ाव होता है किसी कार्यक्रम से, तो शायद और युवा आए, मैं जरूर चाहूंगा आप जरूर बताएं। इस पूरे कार्यक्रम को हमने एक इस तरह से रूपरेखा बनाई है कि जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर संभाग केंद्र हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 10 संभाग हैं, उन 10 संभागों के अंदर हम बड़े कार्यक्रम कराकर स्टेडियम में 20-25 हजार की संख्या के कार्यक्रम एक साथ होने वाले हैं। इसी तरह से ये कार्यक्रम हमारे हर जिला केंद्र का जो नगर मंडल हमारा कहलाता है, उस नगर मंडल में 5-7 हजार लोग एक साथ स्टेडियम के अंदर परीक्षा देंगे। जब ये परीक्षाएं संभाग और मंडल केंद्रों में हो रही होंगी, उसी समय मध्य प्रदेश के 23,000 पंचायतों के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता इस परीक्षा को करा रहे होंगे। हमने इसमें अतिथि का जो विषय है इसके अंदर हमने एक बात ये कही है कि मध्य प्रदेश में पंचायत के सरपंच से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक किसी न किसी सेंटर की विजिट और किसी न किसी सेंटर में जाएंगे और वहां पर रहकर इस परीक्षा को देखेंगे, परीक्षा में अपनी सहभागिता देंगे। उसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, संगठन महामंत्री तक इस परीक्षा में आएंगे और अलग अलग स्थानों में हम उनको ले जाने की हमने बात कही है। देश का जो भारतीय जनता युवा मोर्चा जो नेशनल हमारी टीम है, वो पूरी टीम उस दिन 23 तारीख के दिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में रहने वाली है। हम अलग अलग जगह उनको भेजेंगे, साथ में जो अलग हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं, लगभग हमने 12-14 केंद्रीय मंत्रियों से बात की है, वो सारे अलग अलग स्थानों पर आएंगे। हमने उनसे आग्रह किया कि आप इस परीक्षा में आप भी किसी न किसी सेंटर में आकर इस परीक्षा की सहभागिता अपनी प्रदान करें। और पुराने जो भारतीय जनता युवा मोर्चे के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप भी मध्य प्रदेश 23 जनवरी को आकर हम सबको अनुग्रहित करें और साथ में युवाओं से आप भी इंटरेक्शन और बातचीत करें। सर, इसके परिणाम कब घोषित होंगे? इसके परिणाम परीक्षा के 7 दिन के बाद हम इसके परिणाम घोषित करेंगे और परिणाम में जो भी विद्यार्थी हैं वो सारे विद्यार्थियों को हम उसमें उसकी स्क्रूटनी कर उनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड और मुझे लगता है कि 100 जो हम कह रहे हैं पुरस्कार, वो सारे पुरस्कारों के नाम भी चिन्हित किए जाएंगे। परीक्षा को पूरी तरह से गोपनीय रखा जा रहा है और परीक्षा के बाद इसके परिणाम हम घोषित कर और सारे लोगों को कॉफी विद सीएम पर लेकर आएंगे। आप सबके माध्यम से मैं युवा नौजवान साथियों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में आप इस कार्यक्रम में आए और अपनी सहभागिता जताते हुए कम से कम मध्य प्रदेश सरकार की योजना, सेंट्रल की योजना और दीनदयाल जी का विचार जरूर पढ़ें और उसे आत्मसात करने का प्रयास करें। सर, कॉफी विद सीएम ये किस विचार से इसका आयोजन किया गया है? कॉफी विद सीएम मतलब सीएम के साथ बैठकर एक चाय पी जाएगी और सीएम के साथ अपनी बात की जाएगी। जिस तरह से हमने लोकसभा के चुनाव में हमने चाय के स्टॉल पे जाकर एक चाय के कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के बीच में हमने चर्चा का विषय रखा था और चर्चा करते हुए हमने इस देश के प्रधानमंत्री को हम सबने चुना, उसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ युवा कॉफी पियेंगे और साथ में अपने विचार साझा कर पाएंगे। सर, मैं इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि ऐसे ही कार्यक्रम लगातार होते रहे और जिससे युवाओं को फायदा हो, युवाओं को रोजगार को फायदा हो। सर, एक और आपसे आखिरी सवाल, आगे की आपकी क्या योजनाएं होंगी, कोई आपका कुछ निर्णय है? आने वाले समय में मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे ने अभी इसके पहले हमने एक खेलेगा मध्य प्रदेश खेलेगा भारत अभियान चलाया, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐसे खेल हैं जो हमारे ट्रेडिशनल खेल हैं, कबड्डी, कुश्ती, खो खो, मलखम्ब और रस्साकसी, इन सारे खेलों के अंदर हमने लोगों को प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम किया और पूरे मध्य प्रदेश में इस अभियान को चलाया, जिसमें 9,800 खिलाड़ियों को हमने मध्य प्रदेश की धरती में सम्मानित किया है। आगामी समय में एक बड़ा अभियान युवा मोर्चा छेड़ रहा है। मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायतों से ज्यादा पंचायतें हैं। इस वर्ष मध्य प्रदेश का भारतीय जनता युवा मोर्चा इस देश का एकमात्र ऐसा संगठन है जो प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित करता है, देश जिले की करता है, मंडल की करता है, लेकिन सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार विशेष रूप से अनुमति दी है कि पंचायतों में भी हम 11 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाने वाले हैं। उसमें एक संयोजक और एक सोशल मीडिया जो आज सबका सबसे बड़ा क्षेत्र आज माना जा रहा है, सोशल मीडिया में एक एक कार्यकर्ता बनाकर लगभग 24-25 हजार नौजवान सोशल मीडिया मध्य प्रदेश युवा मोर्चे के खड़े करने वाले हैं। आगामी समय में एक बड़ा कार्यक्रम लेकर मैं आ रहा हूं और सभी नौजवानों से मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि उस कार्यक्रम में जरूर शामिल हों। 25 तारीख अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस से लेकर 30 दिसंबर तक
हम एक रोजगार संवाद का कार्यक्रम ला रहे हैं। उस रोजगार संवाद में हम रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार विभाग से और जितनी भी सरकारी संस्थाएं उन सबसे हम निवेदन भी कर रहे हैं कि आप आइए और युवाओं को रोजगार के लिए आप उनके साथ खड़े होइए। मैं सभी नौजवान से आग्रह करता हूं कि अपने अपने जिलों में, सभी 56 जिलों में हम ये कार्यक्रम करेंगे, आप इस कार्यक्रम में शामिल होकर रोजगार से जुड़िए और अपने रोजगार कैसा होना चाहिए इसकी काउंसलिंग भी युवा मोर्चा करने वाला है। आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दीजिए। निश्चित तौर पर आपके रोजगार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो युवा मोर्चा मध्य प्रदेश की धरती के अंदर लेकर आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और युवाओं को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी, जिन्होंने बताया कि एक शानदार कार्यक्रम जो कि प्रतियोगिता है, अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, ये आने वाला है और इसके पश्चात एक रोजगार संवाद कार्यक्रम आने वाला है। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं अभिलाष पांडे जी को इन सब कार्यक्रमों के लिए और आपको जरूर हम परिचित कराते रहेंगे ऐसे ही कुछ हस्तियों के साथ। नमस्कार।